नमस्कार, मैं हूं अर्षी शेख आपके साथ और आप देख रहे हैं सी टीवी न्यूज, हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर, आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट। चंद्रपुर समेत विदर्भ में आज से शून्य छाव दिवस होने की है जानकारी। स्काई वॉच ग्रुप ने इस जानकारी के साथ बताया है कि इसका महत्व वैज्ञानिक दृष्टि से समझने के लिए शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए। साल में दो बार सूरज सर पर आता है और दो बार शून्य छाव दिवस होते हैं। आज से प्रारंभ इस खगोलीय स्थिति का अनुभव अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर होगा। गोंडपिपरी में 19 मई को इसका अनुभव किया जा सकेगा, वही बल्लारपुर में 20, सिंदेवाई और वरोरा में 21, चिमूर 22, ब्रह्मपुरी नागभीड़ में 23 को इसका अनुभव किया जा सकेगा। चंद्रपुर में 19 मई को इसके लिए जनता कॉलेज में शिविर का आयोजन भी किया गया है। चंद्रपुर में निर्दलीय विधायक को आपका न्योता मिलने की है खबर। जोरगेवार ने भी कहा फोन पर मिले संकेत, पर इतना काफी नहीं। गौरतलब है कि विधायक जोरगेवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद का ऑफर मिलने की चर्चा फिलहाल जिला ही नहीं विदर्भ की राजनीतिक सुर्खियों में है। ये ऑफर उन्हें कांग्रेस के एक नेता द्वारा दिए जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि उस नेता ने चर्चा से इनकार किया है, परंतु विधायक जोरगेवार ने फोन पर बात होने का खुलासा कर इस चर्चा का कोई आधार होने की मुहर लगाई है। आम आदमी पार्टी राज्य में अपना दम बढ़ाना चाहती है, इसलिए कुछ अनुभवी नेताओं को तरह तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है। एक और जोरगेवार को कांग्रेस का बाहरी समर्थक कहा जा रहा था, वहीं अब आम आदमी पार्टी ऑफर ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। तहसील जीवती में कई गांवों में कल शाम बेमौसम बारिश और तूफान की है खबर। नागरिकों ने नुकसान के पंचनामे कर तत्काल राहत की मांग उठाई है। जीवती तहसील के कई गांवों में कल शाम जोरदार तूफान के साथ जबरदस्त बारिश ने अचानक दस्तक दी। इसमें कई लोगों के घरों के छप्पर उड़ गए। हालांकि इसमें किसी तरह की जीवित हानि होने का समाचार नहीं है, परंतु संपत्ति का बड़े पैमाने पर नुकसान होने की बात कही जा रही है। लोगों ने बताया है कि लगभग 20 मिनट तक तेज तूफान चला, में मकानों का भारी नुकसान हुआ है। माधव तंबोले, मधुकर वारे, बांबू तांबुले, महरुद्र मुले, रामकृष्ण फड़, उत्तम वारे, बालाजी वारे, शंकर राठौड़, वसंत राठौड़, देवीदास राठौड़, इन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त होने की है खबर। गढ़चिरौली के एटापल्ली में नक्सलियों का उत्पात जारी। सड़क निर्माण कार्य में लगी मशीनों को तबाह किए जाने की है खबर। एटापल्ली के हालेवारा अंतर्गत मवेली से मोहरली गांव की सड़क तक का निर्माण कार्य जारी है। इस काम के लिए लगाई गई मशीनों पर नक्सलियों ने अपना रोष जताया और उन्हें आग के हवाले कर दिया। इस घटना से इस परिसर में नक्सली आतंक फिर से हावी होने की चर्चा उठ रही है। नक्सलियों ने कल रात दो पोकलेन मशीन, ट्रैक्टर, ग्राइंडर और ट्रक आदि को आग के हवाले कर दिया है, जिससे संबंधित ठेकेदारों का लाखों का नुकसान होने की है खबर। राजुरा की रिया ने पुणे विश्वविद्यालय में हासिल किए 6 स्वर्ण पदक। पूर्व विधायक सुदर्शन नीमकर ने किया रिया का सत्कार। राजुरा के सुनील लेख राजानी की बेटी रिया ने MBA फाइनेंस में सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय से 6 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। इस उपलक्ष में 16 मई को पूर्व विधायक नीमकर ने रिया के आवास पर जाकर उसका शॉल, श्रीफल और पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया। इस समय अनिल हस्तक, अशोक मेड़पल्लीवार, श्रीकांत दीक्षित और सुरेश लेख राजानी भी मौजूद थे। राजुरा की कन्या के शिक्षा क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्य से राजुरावासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, ऐसी प्रतिक्रिया इस समय मान्यवरों ने दी। 113 बटालियन CRPF ने धानोरा में मनाई बौद्ध जयंती। इस समय बटालियन के कमांडर GD पंढरीनाथ ने तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा को माल्यार्पण कर अभिवादन किया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने तथागत बुद्ध के जीवन की जानकारी देकर उनके द्वारा किए गए शांति के संदेश को समझाया। इस बीच सिपाही प्रशांत ने भजन प्रस्तुत किए, उपरांत भंडारा का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम की सफलता में बटालियन के राजपाल सिंह, डॉक्टर आदित्य पुरोहित और अन्य अधिकारियों ने प्रयास किए। आज विश्व के उत्थान के लिए बुद्ध के विचारों की जरूरत होने की बात इस कार्यक्रम में बताई गई।
तो सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में थी। खबरें फटाफट मिलते कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सी टीवी के साथ। नमस्कार।